ये कहानी छोटे चिंटू की है और उसके परिवार वालों की। चिंटू शहर में अपने परिवार के साथ रहता था और पांचवी क्लास में पढ़ता था। तभी उसके पिताजी एक नया फोन घर में लाते हैं। देखो आज मैंने क्या लाया है। क्या लाए हैं पिताजी? मैंने एक नया स्मार्टफोन खरीदा है। देखो कितना सुंदर है और कितना बड़ा फोन है ये। चिंटू फोन देखकर खुश हो जाता है और पिताजी के हाथों से फोन छीन लेता है और बोलता है, पिताजी मुझे देखने दो, मैं इस पर नई नई गेम खेलूंगा। बेटा इस पर गेम नहीं खेलते हैं। नहीं नहीं मैं गेम खेलूंगा। चिंटू की मम्मी भी उसे खूब समझाती है पर वो नहीं मानता है और जिद करने लगता है। बेटा बच्चों को फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आंखें खराब हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा। और चिंटू जिद करके फोन छीन लेता है और उस पर गेम खेलने लगता है और दिन रात लगातार उस पर गेम खेलता रहता है। चिंटू को लगातार गेम खेलते देख उसके पिताजी और उसके पूरे परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं। चिंटू तो बहुत ही ज्यादा गेम खेल रहा है, ऐसे तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। आजकल तो वो बाहर खेलने भी नहीं जाता है, इससे तो उसकी सेहत और बिगड़ने लगेगी। तभी उसके दादाजी चिंटू को बोलते हैं, बेटा चिंटू शाम हो गया है, बाहर खेलने चलो, बाहर फ्रेश हवा में खेलने से सेहत अच्छी रहेगी। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है बाहर, मैं यही ठीक हूँ, मैं फोन में गेम खेलूंगा। और वो बाहर जाने से मना कर देता है। चिंटू लगातार फोन में गेम खेलता रहता है और कुछ ही दिनों में उसकी आंखें खराब हो जाती है और उसकी आंखें दर्द देने लगती हैं। पापा मेरी आंखें अचानक दर्द दे रही है, मेरी मदद कीजिए। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और उसे बोलते हैं, बेटा चिंटू तुम्हारी आंखें फोन चलाने से खराब हो रही है, तुम फोन चलाना कम कर दो। डॉक्टर बोल के चले जाते हैं पर तब भी चिंटू नहीं मानता है। और तभी चिंटू के पापा उसे लगातार खेलते देख काफी चिंतित होते हैं। ऐसे लगातार गेम खेलने से तो इसकी आंखें और खराब हो जाएंगी, मुझे ही अब कुछ करना होगा। तभी चिंटू के पापा चिंटू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा चिंटू तूने न्यूज में सुना है कि चुड़ैल आजकल फोन में छुपके रहती है और रात में निकलती है और बच्चों को चोट पहुंचाती है। पापा चुड़ैल उड़ैल ये सब कुछ नहीं होती। और चिंटू पापा की बात को नजरअंदाज कर देता है और गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद फोन में से आवाज आती है, मैं चुड़ैल हूँ और चिंटू को पकड़ कर ले जाऊंगी। चिंटू इधर उधर देखता है और थोड़ा डर जाता है और डरा हुआ बोलता है, कौन हो? तभी फोन में से आवाज आती है, मैं फोन की चुड़ैल हूँ और मैंने ही तुम्हारी आंखें खराब की हैं। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे और चोट पहुंचाऊंगी। चिंटू ये सुनकर तुरंत तेजी से अपने पापा के पास भागता है और बोलता है, पापा पापा फोन में चुड़ैल है। बेटा मैंने तुम्हें बोला था कि फोन में चुड़ैल है और जब जब तुम उसे छुओगे वो बाहर आ जाएगी। चिंटू को उसके पापा समझाते हैं और चिंटू मान जाता है और जैसे ही फोन छूने जाता है उसे चुड़ैल की आवाजें आने लगती हैं। धीरे धीरे चिंटू फोन में गेम खेलना कम कर देता है और बाहर खेलने लगता है और ऐसे करके उसका फोन में गेम खेलना भी कम हो जाता है। डॉक्टर भी चिंटू के पिताजी को बताते हैं, अब उसकी आंखें बिल्कुल अच्छी है, उसने गेम खेलना बंद कर दिया तो उसकी आंखें ठीक हो गई है। आपने क्या किया कि उसने फोन में गेम खेलना बंद कर दिया? मैंने फोन में चुड़ैल की आवाज सेट कर दी थी, जब जब वो गेम खेलने जाता उसमें से आवाज आने लगती और उसने गेम खेलना बंद कर दिया। वाह आपने बहुत ही अच्छा किया, अब उसकी आंखें सलामत है। चिंटू के पापा बड़े ही सूझबूझ से चिंटू को फोन से दूर करवा दिया और उसमें से चुड़ैल की आवाज भी आनी बंद हो गई और चिंटू अब से बाहर खेलने जाने लगा। संदेश, हमें ज्यादा फोन में गेम नहीं खेलना चाहिए, इससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, इसलिए कम से कम फोन का इस्तेमाल कीजिए। एक जंगल में एक चिड़ीमार पहुंचा चिड़ियों का शिकार करने, क्योंकि उस जंगल में उसे चारों ओर पेड़ों पर चिड़िया ही चिड़िया दिखाई दे रही थी। अरे क्या बात है, इतने सारे चिड़िये मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और चिड़ियों को पकड़कर उन्हें बेच दूंगा
और फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। उसने जाल बिछाया, फिर दाने डाले और छुपकर इंतजार करने लगा चिड़ियों के फंसने का। लेकिन हुआ यूं कि जितनी भी चिड़िया वहां दाना चुगने आई, उनमें से एक भी उस जाल में नहीं फंसी। और वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चिड़ियों ने आराम से दाना चुग कर फिर जा बैठी पेड़ पर। चिड़ीमार ने दोबारा से दाना डाला, लेकिन फिर से वैसा ही हुआ। तब उसने सोचा कि अब तीर कमान से चिड़ियों का शिकार करना पड़ेगा। उसने तुरंत अपनी तीर कमान निकाला और एक चिड़िया पर निशाना साधा, तो उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी। देखो, हमें तुम ना तीर कमान से मार पाओगे, ना ही जाल में फंसा पाओगे। हम साधारण चिड़िया नहीं है, हम यहाँ एक चुड़ैल के कैद में है। असल में हम मुश्किल में है, चुड़ैल हमें मार के खाने के बाद हमारे हड्डियों से चिड़िया बनाकर हमें पेड़ों पर रख दिया है। चुड़ैल के जादू के वजह से हमें कोई मार नहीं सकता और ना जाल में फंसा सकता है, बल्कि हमें देखकर वो इस जंगल में आता है और फिर उसे चुड़ैल खाकर चिड़िया बना देती है। तुम कैसे भी करके हमें चुड़ैल से आजाद करवा दो दोस्त। तभी तेज हवा चलने लगी, चिड़ीमार एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। चुड़ैल गुर्राती हुई आ रही थी। मैंने कितने सारे लोगों को खाकर चिड़िया बनाकर इस जंगल में कैद कर लिया है, मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मेरी जान तो उस सोने के अंडे में है जो एक पेड़ के एक कोने में रखा है, जहाँ एक विशाल सांप उसकी रखवाली करता है। चुड़ैल घमंड से अपना सारा राज बोले जा रही थी। उसे लग रहा था कि वहाँ वो अकेली थी। इधर पेड़ के पीछे छुपे चिड़ीमार ने सब कुछ सुन लिया था। चुड़ैल बादलों की गरज की तरह ठहाका लगाती हुई चल पड़ी अपने अगले शिकार को ढूंढने। चिड़ीमार ने मन में ही तय किया कि कैसे भी वो इस जंगल के चिड़ियों को वापस मनुष्य बनाने की कोशिश करेगा। मुझे चुड़ैल के लौटने से पहले ही ये सारा काम करना पड़ेगा, वरना चुड़ैल वापस आकर मुझे भी मारकर चिड़िया बना देगी। वो उस पेड़ को ढूंढने लगा जहाँ सांप उस सोने के अंडे की रक्षा करता है। ढूंढते ढूंढते वो थक गया, पर उसे वो कहीं नहीं मिल रहा था। वो बड़ा निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर जंगल के किनारे एक सूखे से पेड़ पर पड़ी। उसे लगा हो ना हो वो सोने का अंडा उसी पेड़ पर होगा। वो उस पेड़ के पास गया, उसने देखा पेड़ में एक गहरा गड्ढा था। उसने एक सूखी टहनी उसके अंदर डालकर टटोला तो अंदर से सांप के फुंकारने की भयानक आवाज आई। वो अपना तीर कमान तुरंत तैयार कर खड़ा हो गया। धीरे धीरे सांप बाहर निकल रहा था। सांप बाहर निकल कर फन फैलाए चिड़ीमार की तरफ देखते हुए जोर जोर से फुकारने लगा। चिड़ीमार ने अपने कमान से निशाना साधते हुए तीर छोड़ा। तीर फन में जा लगा और सांप मरोड़े लेता हुआ वहीं ढेर हो गया। चिड़ीमार ने तब उस गड्ढे में हाथ डालकर सोने का वो अंडा निकाला और साथ ही उस अंडे को एक पत्थर पर दे मारा। अंडा फूट कर चारों ओर बिखर गया। जैसे ही अंडा फूटा, उसमें से चुड़ैल कहराती हुई पैदा हो गई। देखते ही देखते वो भी अंडे की तरह फूट कर बिखर गई। पेड़ के सभी पंछी उसी क्षण वापस इंसान में बदल गए। सारे आजाद होकर चिड़ीमार को इसका धन्यवाद जताया। एक किसान था, इस बार वो फसल कम होने की वजह से चिंतित में था, क्योंकि घर में राशन 11 महीने के तो थे, पर 12 महीने का राशन कहां से इंतजाम होगा यही सोच रहा था। ये चिंता उसे बार बार खाए जा रहा था। किसान की बहू का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी आजकल आप किसी बातों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। किसान की बात सुनकर बहू ने उन्हें भरोसा दिलाया, आप किसी बात की चिंता ना करें, उस एक महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया, तब किसान ने बहू से पूछा, बहू आखिर ऐसे कैसे हुआ। तब बहू ने कहा, पिताजी जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया,
तभी से ही मैं जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती उसी में से हर रोज एक दो मुट्ठी कोठी में डाल देती। बस उसी के वजह से 12वें महीने का इंतजाम हो गया। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में बचत की आदत डालना चाहिए ताकि किसान की तरह पूरे वक्त में जमा पूंजी काम आ सके।